नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। महंगी होगी ट्रेन की टिकट, सीनियर सिटीजन को छूट देने पर रेल मंत्री का बड़ा बयान आया है। कोरोना लॉकडाउन के बीच भारतीय लोगों ने पहली बार पूरे देश में ट्रेनों के पहिए थमते देखे थे, फिर यही रेलगाड़ी संकट में घिरे हैं। देशवासियों की सबसे बड़ी और खेवनवार भी बनी है, लेकिन इन जनहितार्थ सेवा ने रेलवे के बहिकाथे को अस्वस्थ कर दिया है। रेलवे इस समय भयंकर घाटे से जूझ रही है। सीनियर सिटीजन और महिलाओं को मिलने वाले कनेक्शन भी बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक रेल किराए जस के तस हैं। लेकिन ऐसे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के ताजा संकेत इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि भारी घाटे से उबरने के लिए रेलवे की टिकट जल्द ही यात्री किराए में वृद्धि कर सकते हैं। आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को सीनियर सिटीजन के कनेक्शन से जुड़े लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में संकेत दिया है कि रेल का किराया बढ़ सकता है। ऐसे में रेल मंत्री ने बताया है कि वर्तमान में एक यात्री के किराए पर रेलवे का प्रति किमी खर्च करीब 1.16 रुपए है, जबकि रेल यात्रियों से सिर्फ 45 से 48 पैसे प्रति किमी ही वसूली होती है। प्रत्येक यात्री को रेलवे की तरफ से 59,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है। ऐसे में रेलवे पहले ही यात्रियों को काफी भारी छूट दे रही है। नई ट्रेनों का संचालन समेत रेलवे लाइन का विस्तार किया जा रहा है। ऐसे में रेलवे को भारी मात्रा में वित्तीय संसाधनों की जरूरत है। बता दिए कि महाराष्ट्र के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के एक सवाल के जवाब में अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बुधवार को कहा है कि रेलवे द्वारा कोरोना काल में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतें वापस ले ली थी, लेकिन फिलहाल इन्हें बहाल करने की कोई योजना नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि इस समय प्रत्येक रेल यात्री को 59,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलती है, जिसके चलते रेलवे पहले ही भारी बोझ के बीच संचालन कर रही है। बता दें कि ट्रेन टिकट में वृद्धि की बात रेल मंत्री के इस बयान से साफ पता चलता है कि रेल मंत्री वैष्णव ने कहा है कि रेलवे द्वारा दी जा रही 59,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी कई राज्यों के वार्षिक बजट से भी बड़ी है। रेलवे इस समय हर साल 60,000 करोड़ रुपए की पेंशन का बोझ उठा रहा है। वहीं मौजूदा कर्मचारियों का वेतन करीब 97,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा ईंधन पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना के दौरान हुए भीषण घाटे से उबरने के लिए रेलवे को नया फैसला लेना होगा। आपको बता दें कि अब रेलवे की टिकट जो है वो महंगी हो सकती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।